नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज. व्हाई इट इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि एक एल्काइल हैलाइड एक दूसरे एल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहा है. हियर एक्स स्टैंड फॉर, रिमेंबर फॉर दिस, हियर एक्स स्टैंड फॉर, हियर एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, क्या बन रहा है? एक एल्काइल हैलाइड NaI सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन मीडियम है, क्या बन रहा है? RI. आप आयोडीन भी लोगे तो कोई फर्क नहीं है, वही बन जाएगा. तो हम लोग को याद रखना है फिनकेस्टन रिएक्शन इज एक्चुअली यूज फॉर द हैलोजन एक्सचेंज, बट इट विल फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्काइल आयोडाइड. फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्काइल आयोडाइड्स. इज इट ओके? व्हाट इज रिटन ओवर हियर? एल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन विद NaI इन ड्राई एसीटोन. द रिएक्शन इज टर्म्स एज फिंकेलस्टीन रिएक्शन. द रिएक्शन इज टर्म्स एज फिंकेलस्टीन रिएक्शन. इज इट ओके? हम लोग और भी थोड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं. वी कैन चेक मोर एग्जाम्पल. इट इज CH3, वी कैन टेक Cl प्लस NaI. मीडियम शुड ऑलवेज बी देयर ड्राई एसीटोन. विदाउट दिस रिएक्शन विल नॉट अकर. What will happen? CH3I plus NaCl plus NaCl. You can take bromine also, because I've already told you X stand for chlorine and bromine plus NaI, right? 3 to 4 times. Pura yaad ho jayega. This is organic. Dry acetone. Kya ban gaya? CH3I plus NaBr. So this is Finkelstein reaction. What is Finkelstein? Halogen exchange has two type of reaction. One is known as Finkelstein, where alkyl halide or alkyl bromide or chloride is converted into alkyl iodide. And the next reaction is known as Swarts reaction. Kya hai ye? This is SWARTS. This is also a halogen exchange reaction. Two halogen exchange, one is Finkelstein, another is Swarts reaction, is also halogen exchange reaction. ठीक है, यहां पर क्या होता है? Here it is converted to alkyl fluoride. What is in Finkelstein? Alkyl iodide. Here X stand for chlorine and bromine, not iodine. Only chlorine and bromine. Why other halogen is not used? We don't need to know. ठीक है, आप अच्छे से करते जाओ, रिसर्च करना होगा बीएससी एमएससी में, आप करना भी, आप मार्क्स स्कोर करो, रैंक लाने की कोशिश करो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. आरएक्स एजीएफ. ठीक है, क्या माना? आरएफ प्लस एजीएक्स. व्हाट इज द रिएजेंट ओवर हियर? एजीएफ. यानी आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाना था, क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं? एजीएफ. आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, दे हैव गिवन इन एनसीईआरटी, सी like this they have given, कि this reagent can be used, AgF, HgF, COF2, is it okay? SbF5, ठीक है, मगर reaction सिर्फ एक का ही दिया हुआ है, CH3Br, AgF, बाकी का reaction नहीं दिया हुआ, मगर boards में, competitive में, बाकी reagent के साथ भी पूछ सकते हैं, that's why I have done with all the reagent and in balance format. अब सबसे पहले ये दिमाग में रखो, एल्काइल हैलाइड को अगर AgF, Ag2F2, COF2, SbF3 अगर आप किसी से भी रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड. क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड. ठीक है, व्हाट इज AgF? सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है, क्या होगा यहां पे? आप पहले अच्छे से कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मैं जिस चीज को कर रहा हूं वो आप देखना. ओके, कॉपी हो गया. अब आप देखोगे यहां से क्या आउट हो रहा है, AgF क्या बना? RF. यहां पर क्या है? अगर आपका F अटैच हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? 2. अगर आप 2 करोगे तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा. दिस इज अ नॉर्मल थिंग, वी हैव ऑलरेडी डन इन 9 एंड 10. HgF2, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमोनी ट्राई फ्लोराइड. इज इट ओके? सो Swarts रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ओनली 3-4 रिएजेंट, AgF, Ag2F2, COF2, SbF3. ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं मैंने. The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by heating on alkyl chloride or bromide. I've already told you X stand for chlorine and bromine. In the presence of metallic fluorides such as AgF, Ag2F2, COF2 or SbF3, the reaction is termed as Swarts reaction. ठीक है, आप R के जगह आप
सी एस थ्री सी एल लेके चल सकते हो, सी एस थ्री बी आर लेके चल सकते हो, कार्बन एटम इंक्रीज कर सकते हो. इज इट ओके? सो हैलोजन एक्सचेंज हैज टू टाइप ऑफ रिएक्शन. वन इज Finkelstein reaction where iodide is converted from chloride and bromide, and in Swarts reaction chloride and bromide is converted to fluoride. Okay, so copy it. Now third reaction from alkene. From alkene, addition of halogen. This we have already done in class 11 alkene chapter. ठीक है, मगर यहाँ पर फिर से है तो मैं थोड़ा सा repeat कर देता हूँ आप लोगों का अगर basic में problem है. ठीक है, क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हैलोजन. आप किसी भी एक एल्कीन को ले लो, आप किसी भी एक एल्कीन को ले लो, सॉरी यहां बॉन्ड लेते हैं. ठीक है, आप X2 दे दो हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम CCl4 व्हिच इज एक्ट एज अ इनर्ट सॉल्वेंट. हो गया, क्या होगा ये X ब्रेक कर जाएगा आपका, मुझे मालूम है. ठीक है, एक एक्स यहां ऐड हो जाएगा, एक से एक्स यहां ऐड हो जाएगा. व्हाट इज एक्चुअली इट इज फॉर्मिंग? इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग विक डाइहैलाइड. व्हाट इज विक? जहां पर एडजेसेंट कार्बन में हैलोजन है, दैट इज नोन एज विक डाइहैलाइड. आप क्लोरीन दे सकते हो, ब्रोमीन दे सकते हो. ठीक है, क्लियर है? आप बोल सकते हो कि सर यहां पे आपने कुछ अटैच नहीं किया, ये आपके ऊपर है, कार्बन अटैच करो, हाइड्रोजन अटैच करो. अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्या शो किया गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको क्या शो किया गया है? ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आप देखोगे आपका इस तरह दिया है, एच एच. व्हाई वी राइट स्ट्रक्चर लाइक दिस? बिकॉज वी नो एल्कीन इज sp2 hybridized and it is trigonal planar in structure. If you give Br2 in presence of CCl4, what will happen? चलिए इस तरह लिख देते हैं, एक ब्रोमीन यहां अटैच होगा, एक ब्रोमीन यहां अटैच होगा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस रिएक्शन इन क्लास 11. ठीक है, क्या था यहां पे याद है? ठीक है, ब्रोमीन इज एक्चुअली अ रेडिश ब्राउन कलर. ब्रोमीन का क्या है? ब्रोमीन इज एक्चुअली रेडिश ब्राउन इन कलर. ये रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन है. ठीक है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड विच इज नोन एज पाई बॉन्ड, इसमें कनेक्ट होके ये क्या बन गया? कलरलेस. दिस इज ऑल्सो डिडक्शन ऑफ एल्कीन. एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 एल्कीन रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन फॉर द डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं, आप ब्रोमीन CCl4 के साथ रिएक्ट करोगे, अगर रेडिश ब्राउन कलरलेस हो जाता है, दैट मीन द कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड. ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज एक्चुअली द यूज फॉर द डिडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट मेथड. इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. आप बोल सकते सर क्लोरीन देंगे तो क्या होगा? कोई नहीं. ठीक है, ब्रोमीन में ही, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है, आप क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, आप किसी के साथ भी करा सकते हो. मगर जहां पर डबल बॉन्ड डिडक्शन होगा वहां पे क्या यूज करेंगे? ब्रोमीन, क्योंकि एक कलर के थ्रू चेंजेस हो रहा है, तब आप समझ सकते हो. कलरलेस से अगर कोई कलरलेस बन रहा है तो आप तो कभी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. रिएक्शन हो रहा है मगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. इज इट ओके? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी ऐड हैलोजन इन एनी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट विल ऑलवेज गिव विक डाइहैलाइड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1,2 डाइब्रोमो इथेन. वेरी गुड, एडिशन ऑफ हैलोजन. सो एडिशन ऑफ हैलोजन में हम लोग फ्रॉम एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हैलोजन किया है. नेक्स्ट विल बी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स. कॉपी कर लीजिए, स्टॉप कर दिया. रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड्स बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड. मैंने तीनों का नाम लिख दिया. आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि सर इतना क्या लिखने की जरूरत है, एच एक्स आप लिख दो. ठीक है, और आप लिख दो एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके सर, बिल्कुल सही आपने कहा. इज इट ओके? नो, नाउ वी विल कम फॉर द
reactions. ये हम लोग already class 11 में पढ़ चुके हैं alkene में, but still I am repeating because it is in syllabus in class 12 also. ठीक है, क्या reactions हैं? आओ देखते हैं. आप किसी भी एक alkene को ले लो, मैं एक general fundamental ले रहा हूँ. आप यहाँ पर HX दे दो, क्या होगा? H will be positive and X will be negative. ये pi bond break करेगा और आपका this pi bond will break. Sorry, मैंने pi break कराना भूल. ये pi bond break होगा, ठीक है? और इस bond में क्या लग जाएगा? किसी भी एक में H और किसी भी एक में X लग जाएगा, ठीक है? This is what? This is haloalkane or alkyl halide. ठीक है, this compound is actually alkene, this is hydrogen halide and this is haloalkane or alkyl halides or alkyl halide. क्लियर है? मगर यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है व्हेन देयर इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन. विल कम टू दैट पार्ट राइट नाउ. ठीक है, इफ वी यूज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कंपाउंड H2C डबल बॉन्ड CH2. आप किसी भी एक HX को ले लो, ठीक है? आप किसी जगह भी प्लेस करो, एक जगह H प्लेस करो, एक जगह X प्लेस करो, नेम विल बी रिमेन सेम. क्या होगा? वन हैलो इथेन, क्लोरीन होता था, क्या होता? वन क्लोरो. अगर आप X को इस जगह नहीं प्लेस करके अगर आप यहां भी प्लेस करते तब भी सेम नाम होता, ठीक है? बट व्हेन देयर विल बी द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बट व्हेन देयर विल बी द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज सिमेट्रिकल व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट. इफ देयर इज unsymmetrical alkenes, अगर unsymmetrical alkenes होगा then what will happen, then आपका क्या fundamental होगा, ठीक है? unsymmetrical alkene का जो fundamental explain किया गया है that is actually explained by Markovnikov. We'll come to Markovnikov, first we will see the example CH3 CH double bond CH2. Let's take an example of HI, ठीक है? ये आपका क्या हो रहा है? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है? हियर टू कंसेप्ट विल कम. अगर प्लस यहां जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, प्लस विल गो हियर, ठीक है? और रिवर्स होता है, अगर प्लस यहां नहीं जाके यहां जाता है, पाई बॉन्ड है, किसी भी एक जगह जा सकता है, ठीक है? What is this? One hydropropane. What is this? Two hydropropane. तो क्या बन रहा है? दो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है? ये दो कंपाउंड बन रहा है, बहुत अच्छी बात है. मगर मुझे ये जानना है कि which is a major and which is a minor product, ठीक है? For that you have to understand Markovnikov's rule. You have to understand Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? What is Markovnikov's rule? ठीक है, क्या बोल रहा है Markovnikov's rule? Markovnikov's rule states negative part of the reagent should be attached with that carbon atom of carbon-carbon double bond which contains lesser number of hydrogen atoms or no hydrogen atom. Lesser number of hydrogen atom or नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं है. ये दो में किसमें मिनिमम हाइड्रोजन एटम है, दिस है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां मिनिमम हाइड्रोजन है. सो दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव पार्ट, दिस इज अ पॉजिटिव, सो ये करेक्ट होगा. सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है, ठीक है? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट.
ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, बट दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट. अब मान लो कभी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, अब बोलता है शो ओनली वन प्रोडक्ट, देन वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज दैट वी विल शो ओनली द मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट कौन डिफाइन कर रहा है? मार्कोनिकोफ. कैसे आ रहा है मुझे नहीं जानना, मुझे जस्ट रिमेंबर रखना है मार्कोनिकोफ रूल. नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट शुड बी अटैच्ड टू विद दैट कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, विच कंटेन्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम. सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नेगेटिव कहीं भी पॉजिटिव दो. मगर अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या फंडामेंटल होगा? दिस इज द फंडामेंटल. क्लियर एकदम? दिस इज द मार्कोनिकोफ रूल. क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा और भी मार्कोनिकोफ को we have to understand the Antimarkovnikov's rule also. What is Antimarkovnikov's? What is Antimarkovnikov's rule? Antimarkovnikov's rule kya hai? In case of HBr addition only, ye sirf kis mein show karta hai? एल्कीन जब एच बी आर के साथ ऐड होता, सुनते जाओ आप. इन केस ऑफ एच बी आर एडिशन ओनली एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ R2O2 ऑर्गेनिक परऑक्साइड, H2O2, ठीक है. ये क्या फंडामेंटल बोलता है? ठीक है, ये एंटी मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ मार्कोनिकोफ. एंटी का मतलब क्या है? जस्ट रिवर्स ऑफ मार्कोनिकोफ. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. ठीक है, आप HBr ले रहे हो, क्या होगा? नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहां जाएगा. बट इफ यू टेक इन प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड, इफ यू टेक इन प्रेजेंस ऑफ एनी peroxide, then what will happen? Always remember this law, this is known as anti-Markovnikov rule. That means it will be the reverse of Markovnikov rule. It will be the reverse of Markovnikov rule. So negative part kahan jayega? Jahan zyada hydrogen hai. So it will be like this. Theek hai, main color use kar raha aapko samjhane ke liye. H yahan aayega, Br yahan aayega. So this will be the मेजर प्रोडक्ट. आप बोलोगे नहीं, हम रिवर्स करके भी लिखेंगे, दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट. बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली HBr. रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr. ठीक है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए. ठीक है, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन क्लास 11 एज वेल एज इन कॉम्पिटेटिव लेवल. ठीक है, CH3 HBr HBr in presence of peroxide, in presence of peroxide, what will happen? Kya aayega answer? In presence of peroxide, CH3 CH Br CH2 H. ye kya hoga? CH3 CH H CH2 Br. kyun ho raha hai? Because this is Markovnikov rule and this is anti-Markovnikov rule. क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. This is the compound HCl. आप बोलोगे Markovnikov हो रहा है, यहां देखोगे बोलोगे एंटी Markovnikov हो रहा है. और देखते हैं, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, और यहां क्या होगा? नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. नहीं, हेयर ऑल्सो इट विल फॉलो Markovnikov रूल, बिकॉज एंटी Markovnikov इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr एडिशन. ऑलवेज रिमेंबर, Antimarkovnikov is applicable only for HBr, not any other halogen acids. If you give any other halogen acid in presence of peroxide, it will show Markovnikov. It will show Markovnikov. ठीक है, Antimarkovnikov is only shown by HBr.
ठीक है, यू कैन चेक इन माय मैकेनिज्म फंडामेंटल, CH3CH, ये फिर से क्या होगा मार्कोनिकोव, प्लीज डोंट गेट पजल बिटवीन दिस टू. आप एच मार्क एंटी मार्कोनिकोव यूज करना है, यू हैव टू गिव HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. आप HCl दोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HI दोगे नहीं होगा, इट विल शो द मार्कोनिकोव फंडामेंटल. सो हियर द मेजर प्रोडक्ट इज दिस, हियर ऑल्सो द सिमिलर वन, इज इट ओके. स्टॉप करके कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर लो, क्लास में पूछ लो. नाउ द फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. आप चाहो तो पहले कॉपी कर लो, मगर मैं जब बोल रहा हूं तब कॉपी मत करना. वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11, बट स्टिल इट इज यूज्ड इन अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन. व्हाट इज दिस? वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इथेन. दिस इज इथेन. अगर आप क्लोरीन देते हो एच न्यू और सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर आप देखोगे बहुत बुक में हीट यूज किया गया है, ये सब आप याद रखोगे तो बेटर है. और बहुत से बुक में आप देखोगे एक टेम्परेचर का रेंज मेंशन है 520 केल्विन टू 670 केल्विन. ठीक है, अगर कभी भी इसके साथ ये टेम्परेचर भी दिया है तो समझ जाओ ये रिएक्शन हो रहा है. क्या होता है, एक हाइड्रोजन अटके क्लोरीन लग जाता है, और क्या होता है, HCl आउट होता है. ये मैकेनिज्म हम लोगों को आता है, इसलिए मैं मैकेनिज्म फिर से आपको एक बार शो कर रहा हूं. मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये दिस इज द क्लोरीन. ये आप पहले पूरा कॉपी कर लो, अगर कोई भी पूछता है मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट लाइक दिस. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. इनिशियल हो रहा है, ठीक है, इनिशिएशन हो रहा है. क्लोरीन और एच न्यू दे रहे हो, आप एच न्यू भी लिख सकते हो, इसके जगह पे आप सनलाइट भी लिख सकते हो, इसके जगह पे आप हीट भी लिख सकते हो, या ये टेम्परेचर 520 टू 670 केल्विन भी लिख सकते हो. ये क्या होता है, ब्रेक होता है. दिस इज एक्चुअली, ठीक है, दिस फंडामेंटल इज एक्चुअली नोन एज, ये आप देखो यहां पर हम आपको थोड़ा कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली होमोलिटिक फिशन. ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया. ठीक है, दिस इज एक्चुअली नोन एज होमोलिटिक फिजन. वी हैव ऑलरेडी डन इन मैकेनिज्म पार्ट इन क्लास 11, होमोलिटिक फिजन, जो इक्वली डिवाइड होके क्या बना रहा है, फ्री रेडिकल. क्या बना, सी एल दिस, जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास चला गया. तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, दिस इज फ्री रेडिकल्स. अब क्या है, फ्री रेडिकल जो है ये भी क्या हो रहा है, ये भी यहां पर ये क्लोरीन इस जगह इलेक्ट्रॉन के लिए अटैक कर रहा है. तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अटैच होकर क्या बन रहा है, Cl एंड CH3 अब क्या बन गया, फ्री रेडिकल. दिस इज नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल. अब मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से क्या है, क्लोरीन इस पर अटैक कर रहा है, सॉरी जिसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्लोरीन पर अटैक कर रहा है, क्या बन रहा है, CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल. इज इट ओके, प्रोपोगेशन हो रहा है इसको, इन शॉर्ट चेन प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, चेन इनिशिएशन बोलते हैं. ठीक है, आ रहा समझ में, क्या हो रहा है, दिस ये फ्री रेडिकल बन गया. अब जो बचा हुआ क्लोरीन उसके साथ ये अटैच होकर क्या बन रहा है, CH3Cl. अब क्या है, ये Cl फ्री रेडिकल बचा है. ठीक है, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा. ठीक है, सब कुछ अगर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए, ये फ्री रेडिकल में है आपका टर्मिनेशन. ठीक है, टर्मिनेशन में क्या फंडामेंटल होता है, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बन जाता है दिस. या फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, अगर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाता है, CH3Cl. इज इट ओके, दिस इज नोन एज चेन टर्मिनेशन. क्लियर है, अच्छे से कॉपी कर लो इसको स्टॉप करके. ठीक है, इन शॉर्ट मेरा फंडामेंटल क्या है, मेरा क्वेश्चन कैसा आता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली दिस, सी दिस इज द एग्जाम्पल. फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन्स. ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड, कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंपल कंपाउंड इज लो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ये क्या है, ये फंडामेंटल है. अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करते हैं. अगर आप देखोगे तो व्हाट फंडामेंटल इज गोइंग अवे, ये क्या है, CH2, यहां पर एक फ्री रेडिकल बनाने का चांसेस है, एक एच हटके. ठीक है, क्या बनेगा, वन क्लोरो ब्यूटेन, या फिर एक चांसेस किस जगह पे है, यहां पे बनाने का, ये क्या बनेगा, टू क्लोरो ब्यूटेन, या फिर एक चांसेस कहां है, यहां बनाने का.
आप बोलोगे सर दिस टू पोजिशन आर सेम, करेक्ट है एकदम। अगर यहां पे हम करेंगे तो क्या होगा, इससे कंपेयर हो जाएगा, तो यहां पर कितना मोनो हेलो एल्केन पॉसिबल है, मोनो हेलो एल्केन मतलब एक हेलोजन होना चाहिए। आप क्लोरीन भी दे सकते हैं, ब्रोमीन भी, कितना पॉसिबल है, टू, वन इज वन क्लोरोब्यूटेन एंड अदर इज टू क्लोरोब्यूटेन। अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो कितना पॉसिबल है, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, टू आइसोमर्स, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है, ठीक है। यील्ड ऑफ एनी सिंपल कंपाउंड इज लो, कोई यहां पर मेजर और माइनर नहीं है, सब बहुत लो यील्ड है, क्योंकि बाकी का कुछ अनयूज्ड ये भी रहता है। अभी जानने की जरूरत नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.3, ठीक है। फर्स्ट कॉपी इट देन लिसन व्हाट आई वांट टू कन्वे द मैसेज, क्लियर है, हो गया कॉपी। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो, मतलब एक क्लोरीन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। ये फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन करके आपको थोड़ा सा ये टफ बनाने की कोशिश करें, इट्स वेरी सिंपल। कंपाउंड पहले आप समझो, कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CH, इससे कितना अटैच है, 2CH3, एक आप यहां दे दो और एक यहां दे दो, कितना फ्री रेडिकल पॉसिबल है, आओ पूरा रिएक्शंस करके देखते हैं। आप क्लोरीन दो, किसके प्रेजेंस में आप दे रहे हो, एच न्यू सनलाइट, टेम्परेचर भी आपको मालूम है क्या यूज करना है, 520 टू 670 केल्विन, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल है, एक यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। अगर यहां पर पॉसिबल होगा तो व्हाट कंपाउंड विल फॉर्म, अगर वहां पर पॉसिबल है, और मैं यहां पे नीचे में एक करके कंपाउंड शो करता हूं, अगर यहां पे पॉसिबल है तो क्या कंपाउंड होगा, दिस CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वन क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। अगर इस जगह अटैच होगा टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, अगर इस जगह अटैच होता है तो ठीक है, अगर इस जगह अटैच होता है एंड इफ इट हैपन इन this position, कितना कंपाउंड बना आपका टोटल, 5, कितना कंपाउंड बना आपका 5, इज इट ओके, ठीक है। मगर आप सही से देखोगे तो और नेमिंग करते हैं, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज व्हाट 1 2 3 4, ठीक है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, क्या नाम है इस कंपाउंड का, यहां पर लिख दे, वन क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, नंबर एक का नाम है, नंबर टू का क्या है, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड में आते हैं, क्या नाम है, 1 2 3 4, यहां पे नाम लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, क्या होगा, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। देखो सबका नेमिंग अलग अलग है, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, और अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, क्या होगा, वन क्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है ना, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, मतलब दिस इज ऑल्सो वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, तो ये दो क्या है, सेम कंपाउंड है, आप दो बार नहीं लिख सकते हो, देखो आप चेक कर सकते हो, आप IUPAC का कंसेप्ट को यूज करो, बोथ आर द सेम कंपाउंड, वन क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, हियर द लॉन्गेस्ट चेन इज दिस वन, you can consider that this one, 1 chloro 2 methyl
butane. So how many isomers are possible over here? If you do the free radical monochlorination, only 4. Only 4. That is A, B, C, D and E are same. आप किसी भी चीज को बनाओ, नेम तो एक है, नाम एक मतलब कॉन्सेप्ट एक है, तो टोटल कितना है? हम आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स. कितना आइसोमर मुझे मिल रहा है? 4 आइसोमर्स. दिस इज अ एनसीईआरटी एग्जांपल ऑफ 10.3. आप अच्छे से देख लो. इज इट ओके? समझ में आ रहा है किस तरह से मोनोक्लोरीनेशन हो रहा है? कोई आपको बोलता है ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन मैकेनिज्म के लिए, तो हम इसी चीज को इस तरह से शो कर सकते हैं मैकेनिज्म में आर करके. वी कैन टेक इंस्टेड ऑफ CH3 जो भी मुझे आर लेना है. ठीक है, कॉपी कर लो, स्टॉप करके. प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हम लोग हैलोएरिन प्रिपेयर करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो पहले हम लोग समझेंगे. व्हाट इज हैलोएरिन? इफ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन रिंग. ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले समझने के लिए. दिस इज बेंजीन. ठीक है, ये एक बेंजीन है. अगर आप इसमें क्लोरीन देते हो, क्या देते हो? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस. वी हैव ऑलरेडी डन इन एरोमेटिक केमिस्ट्री एनहाइड्रस AlCl3 और Fe पाउडर दैट इज FeCl3. ठीक है, व्हाट विल हैपन? इट विल शो क्लोरोबेंजीन प्लस HCl. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड. ठीक है, आप बोलोगे ये किस तरह से हो रहा है, ये किस फंडामेंटल के ऊपर हो रहा है? हाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? समझते हैं पहले. ठीक है, दिस इज बेंजीन. अब कहीं भी एक तरह का हाइड्रोजन इस तरह दिखा दो. ठीक है, हाइड्रोजन इज अ प्लस पार्ट एंड दिस इज अ नेगेटिव पार्ट. क्लोरीन ऑफ वन विल बी प्लस, अदर विल बी माइनस इफ इट इज नॉट अ फ्री रेडिकल. ठीक है, पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ क्या बन गया? HCl. अब बेंजीन रिंग में क्या जाके सब्स्टिट्यूट हो रहा है? पॉजिटिव पार्ट को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक. और इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स. ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स. तो क्या पार्ट जाके बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो रहा है? पॉजिटिव पार्ट. सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे, ठीक है, हमारा हैलाइड थोड़े देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट को जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे कि बेंजीन में जितना भी है सब आपका क्या शो करता है? व्हाट डज इट शो इन बेंजीन रिंग? इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. हम लोग यहां पर एक H शो कर देते हैं. दिस इज CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. रिमेंबर दिस इज नोन एज फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, यहां पर क्या है? कार्बन. This is a negative part and this is a positive part. HCl out हो गया. क्या जाके बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो रहा है? पॉजिटिव पार्ट. क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है? पॉजिटिव पार्ट. सो रिएक्शन ऑफ बेंजीन टू एनी अदर कंपाउंड इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. आ रहा समझ में? ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखोगे एक क्वेश्चन आपका, एक रिएक्शन आपका गिवन है. अगर आप उसको डायरेक्ट बिना बेसिक, आपके पास कोई बेस नहीं और वो रिएक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले आप इसको कॉपी करो, फिर मैं वो रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं. रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ऑर्थो एंड मेटा ओरिएंटेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोमेटिक केमिस्ट्री. ठीक है, पहले आपको रिएक्शन ऑफ बेंजीन समझना होगा. व्हाट इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन? रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या फंडामेंटल है? राइट फर्स्ट दिस थिंग. ठीक है, बेंजीन क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3. वी नो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? यू कैन चेक हियर. ठीक है, आप किसी भी एक एग्जांपल को ले लो. लेट अस टेक फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है आपका? फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन. रिएक्शन नंबर टू,
this is benzene. अगर आप CH3Cl के साथ कर रहे हो तो this is the nucleophile and this is the electrophile. Benzene में आपका क्या है? This is H, which is actually a plus part, and benzene ring. This is the negative part. क्या होगा यहाँ पे? HCl out and positive part जाके benzene में substitute हो रहा है. Which part is substituting in benzene? Positive part. In organic chemistry, the electron deficient group is known as electrophile. So this reaction is known as electrophilic substitution. Instead of hydrogen, क्या part जाके आपका substitute हो रहा है? Positive part. ठीक है? This compound is known as toluene, but the reaction is known as electrophilic substitution reaction. आप सभी को check कर सकते हो, ठीक है? ये भी हो गया, HNO3 में भी आप देख सकते हो क्या होगा? ये break होगा. This is the negative part and this is the positive part. यहाँ पे क्या है? H है. ये portion out हो गया. H क्या होगा? Positive and this part is negative. तो क्या substitute हो रहा है यहाँ पे जाके? This thing. Water out हो गया साथ में आपका. ठीक है, बेंजीन का ये रिएक्शन है. दिस इज एक्चुअली नोन एज आल्सो नोन एज फर्स्ट पोजीशन रिएक्शन. बेंजीन से जो भी हो रहा है क्या हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है. इट कैन बी दिस दिस, आप किसी भी पोजीशन में लगा सकते हो. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑर्थो एंड मेटा ओरिएंटेशन. आई हैव शोन यू द इन ऑर्गेनिक मैकेनिज्म. अगर आपको अगर मैकेनिज्म नहीं भी मालूम है तब भी आप ये क्वेश्चन आंसर को कर सकते हो जिस टेक्निक को हम आपको बता रहे हैं. जस्ट आप स्क्रीन में देखते जाओ. ठीक है, दिस टॉपिक विल बी नोन एज ऑर्थो एंड मेटा ओरिएंटेशन. सॉरी, ऑर्थो पैरा एंड मेटा ओरिएंटेशन क्या है ये? व्हाट दिस फंडामेंटल एक्सप्लेन. मान लो आपका फर्स्ट पोजीशन का रिएक्शन है. ठीक है, मान लो यहां पर एक एक्स है. ठीक है, विच कंटेन्स, अच्छे से सुनते जाओ, प्लीज कॉपी मत करो. विच कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड. ये जो फंडामेंटल है एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले लो. अगर आप अज्यूम करते हो कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इसमें है, क्या है? ओनली सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और ये अगर फर्स्ट पोजिशन रिएक्शन शो करता है, अगर ये फर्स्ट पोजिशन रिएक्शन शो करता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिडल ग्राफ, CH3Cl anhydrous AlCl3. ठीक है, इफ इट्स कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, रिमेंबर इट इज कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड. और अगर फर्स्ट पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट पोजिशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट एक्ट होता है, अगर वो होगा तो इट विल ऑलवेज शो ऑर्थो एंड पैरा. आपका क्या था? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पर टॉलविन लग जाता, काम हो जाता. अगर ये पोजीशन ऑक्यूपाई है और ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से बना है, और अगर फर्स्ट पोजीशन रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन रिएक्शन वी हैव सीन मेनी इन एरोमेटिक, हम कुछ फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे शो किए हैं. ठीक है, देखो यही रिएक्शन हो रहा है, मगर ये जगह ऑक्यूपाई है. अगर इस जगह पर ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या देगा? ऑर्थो एंड पैरा. क्या देगा? ऑर्थो एंड पैरा. हम लोग जानते हैं ऑर्थो किस पोजिशन में है, जिस जहाँ पे रेडिकल लगा उसके बगल का ग्रुप को ऑर्थो बोलते हैं. देन मेटा, देन पैरा, देन अगेन मेटा, देन ऑर्थो. क्या देगा? ऑर्थो कंपाउंड. ठीक है, दिस इज द ऑर्थो कंपाउंड एंड दिस इज द पैरा कंपाउंड. इज इट ओके? क्लियर है? और अगर यहां पे मान लो कुछ अटैच्ड है, इसको हम वाई मान लेते हैं, and it contain sigma plus pi bond. ठीक है, और आप किसी भी एक रिएक्शन को, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, it will always show meta position. Why? Due to the resonance orientation. ठीक है, mechanism में explained है. अगर आपको mechanism नहीं मालूम है तब भी कोई problem नहीं, मैं just टॉपिक को बता रहा हूं, जिस लॉजिक को बता रहा हूं, ये बोर्ड्स नीट जेई मेन आईआईटी सब में हो जाएगा. जितना इंटरनेशनल नेशनल एग्जाम है सब में ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा विदाउट नोइंग द मैकेनिज्म. क्लियर एकदम? ठीक है, मैं अब एक एक करके आपको एग्जांपल दिखाता हूं. पहले ऑर्थो पैरा एंड देन मेटा ओरिएंटेशन.
पैरा ओरिएंटेशन। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या, मान लो ये आपका टॉलवीन है, मान लो क्या ये टॉलवीन है और आप क्लोरीन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर ये नहीं होता तो आपका क्या बनता, क्लोरोबेंजीन। और अगर ये प्रेजेंट है तो आपका क्या बनेगा, आइदर ऑर्थो पैरा या मेटा। आप सबसे पहले देखो इसमें क्या ओनली सिग्मा बॉन्ड है, आप देखो सी में क्या है, एच एच एच, और इसके साथ क्या अटैच है, बेंजीन रिंग। मुझे सिर्फ इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, डज इट कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, यस इट हैज थ्री सिग्मा बॉन्ड, मुझे नहीं मालूम कितना नंबर है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है, यस। सो इट विल शो ऑर्थो क्लोरोटोलविन एंड, बहुत बुक में प्लस दिया है, बहुत बुक में एंड दिया है, एक ही बात है, एंड दिस इज पैराक्लोरोटोलविन, इज इट ओके। आप बोलते हैं नहीं, आई वॉन्ट टू सी विथ फिनॉल, किसी भी फर्स्ट पोजिशन का ग्रुप को ले लो, ठीक है। आप बोलते हैं आई विल टेक, आई वॉन्ट टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, ये क्या है, ये क्या बनाता था, सल्फोनिक एसिड। जब फिनॉल है तो फिनॉल में क्या है, वॉट फिनॉल कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या देगा, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड फिनॉल एंड पैरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मुझे ये नहीं देखना है कि ये कंपाउंड क्या है, मुझे चेक करना है इस चीज में और रिएक्शन क्या होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन का। आप मान लो कि सेम टाइप, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, मान लो ये आपका टॉलवीन है और रिएक्शन भी आपका फ्रिडल क्राफ्ट हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर क्या लगता, CH3, और अगर ये प्रेजेंट है और इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, देन वॉट विल हैपन, वन टू डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है ये फंडामेंटल ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेशन का। अब आते हैं मीटा ओरिएंटेशन में, लेट्स टेक एन मेटा ओरिएंटेशन। मेटा ओरिएंटेशन पे मुझे किस चीज पे ध्यान देना है, इन विच फंडामेंटल वी हैव टू चेक इन द मेटा ओरिएंटेशन। मेटा ओरिएंटेशन, मान लो आप यहां पर CHO है, ठीक है, और आपको रिएक्शन दिया गया है क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3। फर्स्ट पोजीशन का रिएक्शन है, फर्स्ट पोजीशन मतलब बेंजीन से जो भी रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये सिग्मा है या पाई बॉन्ड है, पाई तो सभी, सिग्मा तो सभी में होता है, पाई चेक करना है पाई है कि नहीं, यस बेंजल्टिहाइड कंटेन पाई बॉन्ड। सो इट विल शो मेटा ओरिएंटेशन, इट विल शो मेटा ओरिएंटेशन। ये आप सभी चैप्टर में देखोगे, एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, एसिड में मिलेगा, जितना भी क्लास 11 12 के चैप्टर्स हैं सबको एक साथ कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ मेटा क्लोरोबेंजल्टिहाइड, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर, अगर बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड ऑल्सो कंटेन पाई बॉन्ड, यू कैन चेक, किसी को भी ले लो आप, फ्रिडल क्राफ्ट ले लो, क्या होगा, COH CH3, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आपको बस दिमाग में रखना है, आपको मैकेनिज्म नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस कंसेप्ट विल बी फुली क्लियर। एक बार फिर से ब्रशअप करते हैं फंडामेंटल को और क्लियर करने के लिए। This is X. If it contains only sigma bond, then it will show ortho and para orientation.
ठीक है. यहां भी x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है, मगर मान लो इसमें सिग्मा प्लस पाई बोथ है, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड बोथ है, तो ये क्या शो करेगा? मेटा ओरिएंटेशन. व्हाट इट विल शो? मेटा ओरिएंटेशन. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? इज इट ओके? कॉपी कर लो स्टॉप करके. Preparation of haloarenes. We have already seen from hydrocarbon by electrophilic substitution. We understand what do you mean by electrophilic substitution. ठीक है, मैंने basic आपका clear कर दिया. अब देखो NCERT में आप देखो कि same type से reaction दिया है. एकदम same type से reaction दिया है. ठीक है, देखिए first position यहाँ ले रहा है. आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो. कोई problem नहीं है. मैं NCERT का just follow कर रहा हूँ. ठीक है. X2. Here X2 stand from here X is X2 stand for क्लोरीन और ब्रोमीन, नॉट आयोडीन और फ्लोरीन. व्हाई? वी विल कम टू दिस पार्ट राइट नाउ. ठीक है, आप एफ ई डैट में नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बुक में लिखा इसलिए मैंने लिख दिया. एफ ई ले सकते हो या फिर आप एफ ई सी एल थ्री भी ले सकते हो और एनहाइड्रस एल सी एल थ्री भी ले सकते हो. अब आप क्या देख रहे हो? दिस कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो दिस पोजिशन विल बी ऑर्थो, दिस विल बी मेटा, दिस विल बी पैरा. तो यहां पर क्या देगा? ऑर्थो एंड पैरा. Alkyl chloride and bromide can be easily prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid. What is Lewis acid? Which is the deficiency of electron in the central atom. ठीक है, clear है. अब यहाँ पर ये है कि अगर ये ortho para बन रहा है तो क्या ये separate हो सकता है? Yes, the ortho and para isomer can be easily separated due to the large difference in their melting point. अगर melting point या boiling point nearly same होता तो separate करना क्या होता? काफी मुश्किल होता. आ रहा समझ में? आप बोलोगे सर ये रिएक्शन आप एक बार और शो कर सकते हो? हम बिल्कुल शो कर सकते हैं. आप देखो यही चीज है. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस पोजीशन में भी दे सकते हो. आप X2 ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ Fe नहीं लिख के आप एनहाइड्रस AlCl3 भी दे सकते हो. यहां पर X2 क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन. ये क्या होगा? दिस विल कम टू द ऑर्थोक्लोरोटोल्विन एंड क्लोरीन शो करे. ठीक है, चलिए X2 नहीं लेके क्लोरीन ले लो आप एंड पैराक्लोरोटोल्विन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ये आप दिमाग में रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्थो पैरा बहुत बार क्वेश्चन आता है. हाउ कैन यू सेपरेट ऑर्थो पैरा आइसोमर? ठीक है, व्हाट हाउ यू कैन सेपरेट? वी कैन सेपरेट ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, और इट इज नोन एज बाय द मेल्टिंग पॉइंट मेथड. ठीक है, अब हम लोग आते हैं आयोडो आयोडो हैलोटोल्विन कैसे बनेगा. और फ्लोरो तो बनेगा ही नहीं क्योंकि हाई रिएक्टिविटी होता है, फिर भी मैं उसको लिख देता हूं. नो रिएक्शन विद आयोडीन. आप आयोडीन भी यहां पर दे सकते हो, किसके प्रेजेंस में? ठीक है, आप बोलोगे हम एफ ई दे देंगे या एफ ई सी एल थ्री दे देंगे, बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा. मगर अगर आप सही से देखोगे तो यहां पर भी जो रिएक्शन हो रहा है क्या, और अगर आप इसको बैलेंस करोगे, आप बोलोगे नहीं आई वॉन्ट टू बैलेंस. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? टू, जो बैलेंसिंग हम लोगों का नहीं है. तो यहां पर से जो H आउट हो रहा है तो ये क्या बनाएगा? 2HX. दो मॉलिक्यूल है ना, एक बार H यहां से आउट हो रहा है, एक बार H यहां से. 2H है, 2X है. ठीक है, आप बोलोगे 2X तो यूज हो गया, फिर X कहां से बन रहा है? इसको भी आप बैलेंस कर लो. क्लियर है क्या बन रहा है? 2HX, 2HCl और HBr. मगर इसी तरह अगर यहां पर HI बनता है, क्या बनता है यहां पर, क्या फॉर्म होता है? अगर आप बैलेंस करोगे, टू टू बैलेंस हम लोग बुक में भी नहीं दिया, मगर मैं आपको समझाने के लिए शो कर रहा हूं. टू एच आई. एच आई क्या करता है? इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है. जैसे एच आई यहां पर आपका फॉर्म होगा, ये दो फिर से मिलके ये ओरिजिनल कंपाउंड बन जाएगा. तो इसका मतलब ये रिएक्शन से आप ऑर्थो हाइड्रोटोल्विन एंड पैरा हाइड्रोटोल्विन नहीं बना पाओगे. इसी के लिए यहां पर क्या दिया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाता है, HNO3 और HIO4, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रो आयोडाइड आयोडाइड एसिड. ठीक है, ये क्या करता है? एच आई जो बना है इसको ऑक्सीडाइज करके आपका आई टू बना देता है. ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, बस आपको ये दिमाग में रखना है. तो अगर आपको आयोडीन अगर बेंजीन में लगाना है या कुछ भी करना है, तो आप जो भी रिएजेंट हो साथ में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना होगा, जो एच आई बनेगा उसको वो ऑक्सीडाइज कर दे. नहीं तो ये एच आई इसके साथ मिलकर वापस रिवर्सिबल रिएक्शन करता है. लॉ यहां पर सब लिखा है, एनसीईआरटी का ही लिखा है सब. रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिक्वायर द, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखना भूल गया, लिख दीजिए एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस टू ऑक्सीडाइज द एच आई फॉर्म ड्यूरिंग
आयोडाइनाइजेशन. अगर कोई पूछता कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर आइडोबेंजीन और आइडोटोल्विन, ठीक है, तो आप बोलोगे वी कैन प्रिपेयर बट फॉर दैट वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो. विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन नॉट प्रिपेयर. व्हाई? बिकॉज द एच आई विच फॉर्म इज कन्वर्टेड इन टू द रिवर्सिबल रिएक्शन. क्लियर है एकदम? आ रहा है समझ में? ठीक है. अब आप बोलोगे कि फ्लोरो कंपाउंड बनता है कि नहीं. मुझे मालूम है फ्लोरो कंपाउंड नहीं बनता. सभी में एक ही रीजन याद रखना. क्या है रीजन? हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन. फिर भी मैं लिख देता हूं फ्लोरो, सॉरी, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. हो सकता है कोई और मेथड से. देखिए हम लोग फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स जहां पर एलिफैटिक में बन रहा था ड्यू टू, हो सकता है किसी मेथड से बन रहा हो एराइल हैलाइड में, ठीक है, मगर मुझे वो मेथड अभी नहीं जानना है. रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, मैं जिस चीज को बता रहा हूं अगर आप इसको अच्छे से करोगे नीट जेई मेन बोर्ड 100% क्लियर क्वेश्चन आंसर बस आपको सॉल्व करना होगा. Is it okay? Fluoro compound are not prepared by this method due to the high reactivity of fluorine. अच्छे से stop करके आप इसको copy कर लो. Now, aryl halide second and the final preparation. ये कैसे बनता है? पहले आपको याद रखना होगा कि this part N2 plus this is not known as Sandmeyers. This is actually a diazo reaction. ये क्या है? अब सही बोल रहा है आप. 11 में भी एरोमेटिक में किए हो. क्या है ये? दिस इज द डाइजो रिएक्शन. व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग? बिकॉज फ्रॉम अमाइंस वी वांट टू प्रिपेयर क्लोरो प्रोमो और आयोडोबेंजीन. ठीक है, तो अमाइन से पहले आपको क्या प्रिपेयर करना होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. हाउ इट्स गोइंग टू प्रिपेयर? Na2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप NCERT देखोगे तो वहां पर केल्विन में दिया है 273 केल्विन टू 278 केल्विन. एक ही बात है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. इज इट ओके? ये क्या है? डाइजो रिएक्शन है. जब आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा एंड इफ यू गिव Cu2X2, व्हाट वी आर गिविंग? Cu2X2, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन प्लस N2. क्या होता है? पहले आप कॉपी कर लो अच्छे से. हो गया कॉपी? गुड. ये N2 यहां से आउट हो जाता है और ये क्लोरीन अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड. अगर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, और अगर आप क्यूप्रस आयोडाइड दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा. रिएक्शन सिंपली किससे होता है? पोटेशियम आयोडाइड से. आप सिंपली पोटेशियम आयोडाइड दोगे क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन. क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन. तो एक्चुअली दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन. क्या है? दिस इज एक्चुअली सैंडमेयर्स रिएक्शन. ठीक है, ये 12 में है बट वी हैव डन इन क्लास 11 ऑल्सो सैंडमेयर्स रिएक्शन. क्लियर है? आप सैंडमेयर्स कैसे यूज कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे बनेगा? एनिलीन से. अगेन वी विल डू दिस रिएक्शन इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. फिर से ये पूरा रिपीट होगा. इज इट ओके? अच्छे से कॉपी कर लो. हम लोगों का प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एंटर करेंगे. थैंक यू.